करना चाहते हैं उसको सबसे पहले उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको चेक करना है, ठीक हो? और अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या करना है, मैं सीक्वेंस बताया थे। सबसे पहले हमने चेक किया कि पेशेंट कॉन्शियस है, रिस्पांस कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको लगा कि कोई रिस्पांस नहीं है तो क्या करें? हेल्प के लिए कॉल करें, कॉल करें, ठीक है, कॉल करें, शाउट करें, ठीक है। अगर कोई साथ में है तो उसको बोलिए कि मतलब आप सीपीआर करेंगे तो दूसरा आदमी जो है वो या तो एडी ये सब यूट्यूब पहले आप देख, तो एडी प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में आपने देखा तो आपने सबसे पहले शाउट किया कि अपने साथ वाले को बुलाया कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो वो बंदा क्या करेगा, वो एडी लाएगा या अपनी जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है उसको एक्टिवेट करेगा। मतलब अगर किसी को कॉल करना है तो वो कॉल करेगा, फोन करना है तो फोन करेगा। मीन वाइल उससे होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि अगर सीधे आप सीपीआर करने लग गए और बाई चांस एडी की भी जरूरत है तो फिर जब आप दोबारा से उसको कॉल करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि सीपीआर शुरू करने से पहले आपको कॉल फॉर हेल्प करें, कॉल फॉर हेल्प। और उसके बाद अगर पेशेंट का रिस्पांस नहीं मिला तो आपने कॉल के लिए हेल्प किया और आप पेशेंट के साइड में आ गए, यहाँ से कोई इधर से नहीं आना है, हेड साइड से नहीं जाना है, आपको हमेशा पेशेंट के लेफ्ट या राइट में रहना है। और उसके बाद जो है उसके बाद पेशेंट की पल्स देखनी है कि पल्स देखने के लिए क्या करना है, ये हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के साइड में जो है फिंगर को स्लाइड करना है, पीछे जो मसल है मसल और ट्रेकिया के बीच में दो या तीन फिंगर ले जानी है। सब लोग अपने अपनी चेक करें और कैरोटिड पल्स फील करें, किसी को नहीं फील हो रही थी बताएं। इसके जस्ट बगल में जाना है और यहाँ पे फील करना है, पीछे मसल है मसल और टेकिया के बीच में, किसी को नहीं मिले तो प्लीज बताए, मतलब उसका लोकेशन सही नहीं है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। ये जरूरी है, अगर आप अपनी नहीं देख पा रहे हैं तो पेशेंट की कभी नहीं ढूंढ पाए, मतलब हो सकता है उसकी पल्स हो और सीपीआर करने लगे। तो पल्स देखी, पल्स कम से कम 5 सेकंड देखनी है और पल्स अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद जो है हमें सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर शुरू करने के लिए पेशेंट को कोशिश करनी है कि पेशेंट एक हार्ट सरफेस पे रहे, और अगर अकेले हैं हार्ट सरफेस नहीं है तो भी सीपीआर देना है, बट हमारा टारगेट यह है कि कम से कम नीचे एक हार्ट बेड या हार्ट सरफेस रहे और पेशेंट के साइड में आना है और अपने दोनों हाथों को जैसे बताया था कि एक तो कहाँ हाथ को कहाँ मतलब चेस्ट कंप्रेशन देना और रेस्क्यू ब्रेथ देना है। तो चेस्ट कंप्रेशन के लिए पेशेंट का जो लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम है मतलब स्टर्नम जो है यहाँ से लेके नीचे तक है, तो लोअर पार्ट जो स्टर्नम का है वहाँ पे अपना हील ऑफ हैंड रखना है, ये हमारा हील ऑफ हैंड है, और इसको रखना है। फिर एक हाथ रखने के बाद जो है दूसरा हाथ रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद जो है ये हील ऑफ हैंड के लोअर स्टर्नम के स्किन कांटेक्ट को बनाकर रखना है, ऐसे नहीं करना है और साइड में नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं हार्ट इधर है सर लेफ्ट साइड में, और हाथ को जो है सेंटर की जगह हार्ट के ऊपर ले आते हैं, और जैसे ही आप हार्ट के ऊपर लाते हैं उसको चेस्ट में प्रेशर देंगे उसकी रिफ्रैक्चर हो जाएगी, और हो सकता है कि वो वैसे ठीक हो रहा हो तो पता चला वो रिफ्रैक्चर से ही उसको हिमोथोरैक्स हो गया। तो इसलिए सेंटर ऑफ चेस्ट लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम ना सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखना है, हाथ को इंटरलॉक करना है, एल्बो को स्ट्रेट करना है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं होता, एल्बो को स्ट्रेट करना है, अपनी जो बॉडी वेट को बेसिकली यूज करना है, तो वेट को यूज करने के लिए आप ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, आपका जो शोल्डर है वो पेशेंट के स्टर्नम के ऊपर रहना चाहिए और एल्बो जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप यहाँ जाएंगे और तो बॉडी वेट अपना यूज करना है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, और जो मूवमेंट होना है वो शोल्डर पे नहीं होगा, ऐसे नहीं करना, शोल्डर ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना है ना, शोल्डर फिक्स रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, और जो भी कंप्रेशन होना है वो हिप पे होगा, लोअर हिप पे, तो ये ऐसे होगा। कंप्रेशन का जो रेट है दैट इज 100 to 120, और कंप्रेशन के बीच में जो है वो
कंप्रेस करना है और रिलीज करना है, कंप्रेस रिलीज, कंप्रेस रिलीज, कंप्रेस रिलीज, ऐसे करना है, और साथ में 30 कंप्रेशन के बाद दो रेस्क्यू ब्रेथ देना है, या तो अगर माउथ टू नोज देना है मतलब उसके नोज बंद करके माउथ टू माउथ देना है, या फिर अगर कोई डिवाइस है तो उसको डिवाइस के साथ देना है। तो अगर आप ब्लड बैंक में है तो इसको जो है इसको नोज के ऊपर रख के और एक सील बनानी है, और जो मैं बता रहा था सी और ई, तो सी के लिए ये जो थंब और इंडेक्स फिंगर है उसको ऐसे रखना है, सी बनाना है, और इससे इसको कंप्रेस करना है ताकि यहाँ से लीक ना हो, क्योंकि अगर साइड से लीक होगा तो हवा जो भी हम रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे हैं वो साइड से निकल जाएगी और चेस्ट राइज नहीं होगा। तो इसको ऐसे रखना है और तीन फिंगर्स को जो है ई बनाना है, जिससे कि हमें हेड को लिफ्ट करना है। ये ऐसे था, इसको चिन को लिफ्ट, हेड को जो है हेड को लिफ्ट किया और ऐसे जो है ये नेक को एक्सटेंड करने से एयरवे पेटेंसी रिस्टोर हो जाती है। उसके बाद जो है चाहे माउथ टू माउथ देना है या माउथ टू एम्बू बैग देना है, अगर एम्बू बैग अवेलेबल है तो एम्बू बैग से देना, जैसे किया और इसके बाद इसको रेस्क्यू ब्रेथ देना है, और साथ में देखना है कि चेस्ट साइज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 30:2 दौड़ने लग गए, दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर गए, आपको करना है, आपको बताना है, पहले क्या था कि शोल्डर को टैप करना है, हो क्या हुआ सर क्या हुआ, ऐसे बोलेंगे ना, तो शोल्डर को टैप करना है सबसे पहले, ठीक है आप ठीक हैं, नहीं रिस्पॉन्स आया, ठीक है नहीं, उससे पहले भी कुछ कॉल फॉर हेल्प, अगर आकाश है तो आकाश को बुलाएं, या अगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं जैसे हम लोग सुबह रोज जिम में आते हैं तो आकाश है तो आकाश को बुलाएंगे, आकाश देखो क्या हुआ, जल्दी डिफिब्रिलेटर लेके आओ, डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है तो आकाश जी डिफिब्रिलेटर लेके आएंगे, फोन करेंगे अगर किसी को फोन करना है, और उसके बाद जो है फिर दिन भर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, नहीं मिला आपको फिर क्या करेंगे, लेकिन कम से कम 5 सेकंड, आपको पता चले आपको सेंसिटाइज हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है तो इसको एडजस्ट कर, कैसे करेंगे करिए, ठीक है थोड़ी सी एल्बो फ्लेक्स हो रही है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट या ड्रॉप है, उसके बाद हाथ को उठाना नहीं बार बार, ये फिंगर्स चिपका ही रहेगा, इसकी चिपकी रहेगी, एल्बो फ्लेक्स ये बना एल्बो स्ट्रेट, ये एल्बो स्ट्रेट, ये चेस्ट का ये आप करिए, मैंने क्लाइंट बनाया वेरी गुड, अब सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ऐसे करना, ऐसे करना है, 30 कंप्रेशन इस काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 काउंट करके और उसके बाद दो रेस्क्यू ब्रेथ, तो अगर कोई और साथ में आपके है तो ब्रेथ वो देगा मतलब रेस्क्यू ब्रेथ वो देगा, आप कंप्रेशन करेंगे और फिर आप कब तक करेंगे, 2 मिनट, मान लीजिए कोई रिस्पांस नहीं आया तो 2 मिनट तक आप कंप्रेशन करते रहेंगे, करते रहेंगे, 2 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि कौन सा आई तो नहीं है या कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, और ये करते करते आप चेंज करेंगे, अगर सेकेंड पर्सन है तो क्योंकि 2 मिनट के बाद होने लगती है आप थकने लगते हो, तो अगर कोई सेकंड पर्सन है तो वो कंप्रेशन पे चला जाएगा, पहला वाला जो है
पहला वाला कंप्रेशन में चला जाएगा और दूसरा वाला जो साइड होता है वो बाहर जाएगा, ठीक है। ये शुरू से एक आप रोड पे चल रहे हो, कोई गिर गया है बाहर सामने गिर गया, क्या करोगे? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं फिर चिल्लाएंगे, फिर आप हेल्प के लिए कॉल करेंगे ना। हो सकता है बगल में एडीओ रखा हो या कोई आपका साथी हो जो फोन कर सकता हो, बुला सकता हो किसी को, है ना। करिए हाँ, पल्स कैसे देखिए, ठीक है। तो अगर आप उस साइड हैं तो आप इधर की देख लीजिए, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी जैसे बैठक में हाथ रखा था कभी भी दोनों साइड की कराटे एक साथ नहीं देखिए, है ना, एक ही साइड की देख लीजिए। जिस साइड आप हैं उधर की देख लीजिए, थोड़ी क्या बता डॉक्टर साहब ने। हाँ नहीं पहले कहाँ रखना था, दोनों के बीच में सेक्टर, ये न्यूट्रल लाइन है, दोनों के बीच लाइन है, लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम यहाँ से यहाँ तक लोअर पार्ट, शोल्डर आगे लाइए, शोल्डर आगे लाइए, आगे की ओर आइए ऐसे, और आगे बस। अब चेस्ट कंप्रेशन, तो अब इनका चेस्ट कंप्रेशन इफेक्टिव ही है ना। अभी भी जो डेप्थ मैंने कितनी बताई थी, कितना बढ़ना चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर, जो अभी आप कर रहे हैं वो हार्डली 3 सेंटीमीटर तक है, तो आपको नहीं है अपनी फोर्स बढ़ानी है, और बढ़ाएंगे करना, और काउंट करते रहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करते रहना है 30 तक, 30 हो गया 30 हो गया करके करी। तो जैसे ही दिखा दीजिए मुझे करना नहीं है। आर्टिफिशियल रेस्क्यू ब्रेथ देते समय क्या ध्यान रखेंगे? चिल लिफ्ट, चिल लिफ्ट है ना, पेशेंट का एयर वे पेटेंट करना, तभी तो ब्रेक जाएगी, नहीं तो जो आप रेस्क्यू करते हो कोई जाएगी नहीं। क्या करना है, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, ठीक ठीक है, ऐसे लिफ्ट, हेड टिल्ट चिल लिफ्ट, ठीक है। फिर नोज बंद किया, माउथ ओपन किया, हाँ, उसके बाद माउथ टू माउथ रेस्क्यू किया, और जब दिया तो कितने सेकंड के लिए दिया, एक सेकंड। पैडल वाले कितना दिया, 500 से 600, मतलब एक नॉर्मल स्पेशल मान लो कितना ही डबल वाले, तो एक सेकंड है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे ब्लो करना है, ठीक है, और साथ में चेस्ट साइज देखना है, दो बार रेस्क्यू ब्रेथ, दो बार, ठीक। आप बोलेंगे कि देखो इसको लग रहा है कार्डियक अरेस्ट हो गया है, जल्दी से डिफिब्रिलेटर ले जाओ, बोलिए। आप ब्लड बैंक में हैं, वहाँ डिफिब्रिलेटर रखा है, आप डिफिब्रिलेटर लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए। अब एक बार आप क्या करेंगे, बस ये करिए, हाँ बिल्कुल, नहीं मिली बस, देखिए आपका जो रेट है ना वो 50-60 है, तो कितना बताया था, 100 से 120, तो आप रेट बढ़ाइए, काउंट करिए 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन नहीं नहीं अभी तो आपको 30 तक करना है, 30 तक करना है, ये सब कंफ्यूजन नहीं, जान बुझ के मैं करवा रहा हूँ। फाइव एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी इन्होंने दे दिया ना, इन्होंने बोला 30, तो आप तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से दो रेस्क्यू करते हैं। अब इसमें ध्यान से रखना है कि इसको दबा के रखना है और इसको चेक कर लेना है। अब देखिए तो ठीक, दो रेस्क्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ से ना क्या फिंगर को आगे लाना है, फिंगर को मिड से आगे लाएंगे ताकि इस साइड में भी ब्लॉक हो जाए। अब ये अंतर ठीक है, अब देखिए दो रेस्क्यू बच्चे वन टू फिर शुरू करेंगे। नहीं आया, हाँ अब प्लस नहीं चेक करेंगे आप, ये रिपीट साइकिल रिपीट होती रहेगी दो मिनट तक। नहीं घटाएंगे यहाँ पर ठीक है, तो ये एक साइकिल होगी 30, फिर आप करिए वन टू ठीक है, इस तरह पांच साइकिल आपको करिए है ना, तो मतलब आप 30 × 5 150 ठीक है, तो इस तरह एक साइकिल होगी तो फिर क्या होगा आप थक गए, आप इधर आ जाएंगे, चलिए साइड चेंज, साइड चेंज, एक साइकिल हो गई साइड चेंज। चलिए कटी कंप्रेशन आप चालू रखिए, कंप्रेशन रोकना ही नहीं है, फटाफट काम करना है, अभी आपको नहीं देना है ना, वो सही कर रहे हैं बस थोड़ा सा आगे, वेरी गुड ठीक है, बहुत अच्छा वेरी गुड। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ओके 30 हो गया ना, अब तो 1, 2 हाँ बस थोड़ा सा चीज कभी भी आप सब जान ही रहे ठीक है, ये सीक्वेंस रिपीट होता है ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ रहा है, जान बुझ के ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं। अब जिसको वॉलंटियर प्रैक्टिस करना है वो आ गया है, जिसने कभी नहीं किया वो भी आ गया है ठीक है, तो एक साइकिल हो गई, दो मिनट पूरा हो गया, फिर आप क्या करेंगे पल्स चेक करेंगे, अगर पल्स आ गई मीनवाइल आप क्या और करना है, मान लीजिए पेशेंट का रिवाइव ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप, जब जैसे ही उन्होंने किया ना तो आप कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, डॉक्टर को, जो भी अवेलेबल, कुछ नहीं है आप रोड साइड है 112 को कॉल करें, 112 ठीक बढ़िया। फिजिकल हेल्प लिए कौन आएगा, इनकी हेल्प लिए कौन आएगा, एक वॉलंटियर एक जन आना है, ठीक है, तो एकदम
सही किया है, डेथ को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से तो रेस्क्यू कर दिया, तो ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। आप नीचे थे, आप कॉफी टॉफी लेके नीचे रहते ना, देखते रहते मुझे, तो आप जा रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस का डिनर चल रहा था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का डिनर चल रहा था, एमए की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डिनर चल रहा था, अचानक से आप एक आदमी गिर गए, डॉक्टर थे, डेलीगेट थे, गिर गए, क्या करेंगे, दो लोग थे आप, सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले आप आएंगे और चेक करेंगे, क्या करेंगे, आपको चलिए धड़कन मिल गई आपको, धड़कन मिल गई तब नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अगर धड़कन मिल गई आपको, लेकिन आपने देखा आपको लगा कि सांस नहीं चल रही है, लेकिन धड़कन मिल गया, देखा धड़कन मिल गई, ठीक है, तो ये नहीं करना, धड़कन मिल गई तो नहीं करना, है ना, जब धड़कन नहीं है, धड़कन को आर्टिफिशियल धड़कन देने के लिए तो आपसे क्या करना, अगर आपको धड़कन मिल गई तो आपको कंप्रेशन नहीं करना है, सिर्फ जो है क्या देना है, रेस्क्यू रेस्क्यू, ठीक है, चाहे आप कुछ नहीं है तो मुझसे दे दीजिए, ठीक है, आपको ही ध्यान देना है। चलिए अब क्या करेंगे आप, चलिए एयरवे देखिए क्या है, सांस चल रही है, मतलब आपको दिख गया धड़कन मिल गई है, लेकिन सांस नहीं दिखी, क्या करेंगे, बात समझिए, अगर धड़कन आ गई है मतलब हार्ट काम कर रहा है तो आप उसको क्यों दबाएंगे, नहीं दबाएंगे, नहीं दबाना है, नहीं दबाना है, अब आप क्या करें, इधर आ जाए, इधर आइए, इधर आइए, अब आप क्या करेंगे कि धड़कन तो मिल गई लेकिन सांस नहीं चल रही है ना, थोड़ी देर में धड़कन भी रुक जाएगी, तो उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए अवेलेबल है तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे को पेटेंट करें, ये जो एयरवे है ना हमारा, मतलब सांस की जो नली है, सांस की नली को जो है पेटेंट करेंगे, मतलब उसकी सीधा करेंगे, कुछ ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये ऊपर करना है और
साइकिल हो गई, दो मिनट हो गए, चेंज करिए। और इसकी प्रैक्टिस करनी है
हाँ चलो आ जाओ।